नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी भी होम थिएटर की बेस को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, चाहे वो सोनी कंपनी का हो, चाहे वो फिलिप्स का हो, यूनिवर्सल का हो या फिर इंटेक्स का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके पीछे के सारे स्क्रू को ओपन कर लेना है और आपने देखना है कि इसमें कौन सा पेचकस लगेगा। इसमें इस प्रकार से टाइट करके इसके सारे स्क्रू को खोल लीजिए। जब आप इसे खोल रहे हो तब ये चीज़ श्योर कीजिए कि इसकी वायर प्लग में ना हो, नहीं तो आपको इससे करंट भी लग सकता है। तो देखिए, मैंने इस प्रकार सारे इसके पेज खोल लिए हैं और आपको इसको आराम से ऐसे निकाल लेना है। आपको इसके सब वूफर की जो तार है ये वाली, इस पर दो कट लगाने हैं। यहाँ पर दो कट लगा के आपके पास जो कोई भी नॉर्मल स्पीकर है उसकी वायर इसके साथ अटैच कर देनी है, और जो आपने कट लगाने हैं वो इस प्रकार से आगे पीछे करके कट लगाने हैं ताकि बाद में वो कभी भी साथ में तार जुड़े ना और ये शार्ट ना हो। आगे पीछे करके ऐसे बीच में से काट लेनी है और यहाँ पे आपको इसको जोड़ को ज्वाइंट कर देना है स्पीकर की तार को। ये मेरे पास एक वायर है स्पीकर की, इसको मैं इसके साथ इस प्रकार से जोड़ दूंगा। देखिए, इस प्रकार से मैंने दोनों तारों को इसके साथ जोड़ दिया है और बाद में आपको इसके ऊपर टेप कर देनी है। और यही तार का दूसरा सिरा आपको किसी भी स्पीकर के साथ जोड़ देना है और इसको वायर को इसके अंदर से ही बीच में से निकाल लीजिए। पहले हम चेक करेंगे, इस प्रकार से वायर निकाल लेनी है बीच में से और आपको यहां पर तार को इस तरह से जोड़ देना है। लो जी, अब आपके सब वूफर का काम ये स्पीकर करेगा। सारे पेज और स्क्रू लगाने के बाद मैंने इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड कर लिया है और अब हम NCS का विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करेंगे। Trust, yeah. No, I don't wanna wait.
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अपना चैनल ये नया है और ये मेरी पहली वीडियो है। थैंक यू।